सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मीडिया के हमारे जितने साथी हैं सभी लोगों का धन्यवाद। और जितने भी यहाँ प्रेस वार्ता में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रम बाबू जी, सुनील जी, आप हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि पे सबसे ज्यादा निर्भर है। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने एक एक करके तीन विधेयक जो है कृषि का लाने का काम किया, जिसका पूरे देश भर में जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं। किसानों की हालत पहले से ही दयनीय थी, आत्मदाह करने पे भी कई राज्यों के किसान जो है मजबूर रहे, ये हम लोगों ने देखा है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही, और इस बार भी पार्लियामेंट में हम लोगों ने पूरे जोर तरीके से इसका विरोध किया। जो किसानों का सुरक्षा कवच का जो काम करता था MSP, वो सुरक्षा कवच जो है NDA की डबल इंजन की सरकार ने हटा लेने का काम किया। हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, और ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। पूरे देश भर में चाहे रेलवे हो उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एयर इंडिया हो उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हर जगह जो है निजीकरण, प्राइवेटाइज सारे सेक्टर्स को किया जा रहा है। लोगों ने कई कई बातें, बड़ी बड़ी बातें कहा था कि देश को बिगड़े नहीं देंगे, और एक सेक्टर ऐसा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, कृषि सेक्टर था, उसको भी प्राइवेटाइज पूरी तरीके से करने की तैयारी हो चुकी है। हमने कल भी ये बात कही, इस विधेयक से किसान लाचार हो गया है, मजबूर हो गया है, हताश हो गया है, निराश हो गया है, टूट चुका है, और उसका पूरा शोषण करने का तैयारी कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा चलाया जा रहा है। यानी यह स्पष्ट है कि जो आनंद आता है, जो आनंद आता है उसको ये सरकार अपने फंडदाताओं से कठपुतली बनाने का काम कर रही है। यानी जो हमारे अन्नदाता है, ये सरकार अपने फंडदाताओं को कह करके इसका पूरी तरीके से तैयारी करके उसको किसानों को कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। हम स्पष्ट कर दें एक बात, इस विधेयक को लेकर के भारी विरोध हुआ, पंजाब हरियाणा में तो भारी आंदोलन चल रहा है, और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है तेजी पकड़ रहा है, और बिहार में क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य रहा है, लगभग 70% से भी ज्यादा बिहार जो है किसानों पर निर्भर रहते हैं, आज कहीं ना कहीं से उन्होंने भी मान लिया कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये उनके हितैषी एकदम नहीं, बल्कि पूरी तरीके से ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं। इस विधेयक से किसान और गरीब होगा। 2022 की बात की जाती थी, जिसमें 2022 में
लोगों ने सपने दिखाए कि आय को किसानों का दुगना किया जाएगा। अब हम कुछ कारण हम आपको बता दें कि आय दुगना क्यों नहीं हो सकता, इससे किसान और गरीब होगा। और जो खाद्य जो नियंत्रण जो होता था, अब वो सरकार के हाथ में इस विधेयक के बाद नहीं रह जाएगा। यानी जितना खाद्य नियंत्रण है वो कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में चला गया है। मंडी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गौर कीजिएगा, यहां गरीब प्रदेश है, लोग पलायन करते हैं, बिहारी मजदूर है। 2006 में बिहार में एपीएमसी को रद्द किया गया, इसी एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी को रद्द किया। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि एपीएमसी को रद्द करने का क्या नुकसान हुआ है या क्या फायदा हुआ है, ये आप बताइए। एपीएमसी मतलब जो है, आप ये कह सकते हैं जो कृषि उपज विपणन समितियां जो थी उसको, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो कमेटी था उसको रद्द 2006 में किया है। और पूरी तरीके से बिहार में जो है बिचौलियों के हाथ में ये सारे चीजें जो है वापस आ गए। इस पूरे विधेयक में जो है एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। अच्छी बात है कि आपने बात की वन नेशन वन मार्केट की, बात की वन नेशन वन मार्केट की बात की, लेकिन आपने वन एमएसपी की बात नहीं की, जो कि किसान का सुरक्षा कवच है। आखिर क्यों नहीं वन एमएसपी की बात की गई? और देखिए एपीएमसी जो 2006 में जो रद्द किया गया, धीरे धीरे जो उसका फलस्वरूप जो एक्सपीरियंस जो रहा बिहार का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। और इसका जहां तक जो फलस्वरूप है कि बिहार जो है गरीब होता गया, पलायन होता गया, और इस वर्ष की बात करें, अगर आंकड़ा में बात करें, इस वर्ष नीतीश सरकार के कुल गेहूं खरीद का के जो लक्ष्य 1% से भी कम एमएसपी के मूल पर खरीद हुई, जो कि 0.71 है। यानी 1% से भी कम एमएसपी के मूल से नीचे खरीद इसकी हुई है। यानी साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि हमको कितना भारी इसका नुकसान हुआ। हमारे जो उदाहरण के रूप में अगर किया जाए, प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश में एमएसपी ही नहीं है, तो इसका एक उदाहरण अगर हम दें तो आज बिहार प्रदेश में किसान मकई का जो है एमएसपी है 1850 होने के बावजूद उसे बिचौलियों को उनको 1100 में बेचना पड़ता है। यानी 1100 से भी नीचे लोग जो है बेचने का काम करते हैं। यानी 1850 का अगर लेकर के चलिए जो एमएसपी है, यानी उससे नीचे अगर बेच रहे हैं 1100 में, तो लगभग 750 रुपए का नुकसान उन किसानों को होता है। यानी और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देखिएगा, ये अध्यादेश कहता है कि बड़े कारोबारी जो है सीधे किसानों की उपज खरीद कर सकेंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिन किसानों के पास मोल भाव करने की क्षमता नहीं है वो इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। कैसे, जिसपे क्षमता ही नहीं मोल भाव करने का, डायरेक्ट अगर आ जाएगा खरीदेगा तो मोल भाव, बेचारा किसान तो ऐसे ही बेबस है, कमजोर है, इस राज्य में एमएसपी है ही नहीं, तब इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है
ये सेक्टर आ जाने के बाद, ये विधेयक आ जाने के बाद तो भारी नुकसान जो है हमारे राज्य को हो ही रहा है, बल्कि पूरे देश में किसानों को जो है नुकसान होगा। जैसे कि सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन आप ये जानते हैं क्या अपना किसान अपने ही जिला में जो है बिचौलियों से नहीं बच पाया, अपना उपज जो है वो नहीं बेच पाता है, लागत उसको नहीं मिल पाती है, तो वो दूसरा जिला में या दूसरे राज्य में कैसे बेचेगा, तो कैसे फायदा होगा? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है जिसका हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है उत्तर देने का काम करे। इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसा 3 कार्य दिवस में दिया जाएगा। जो धारा 4 है इस विधेयक का, इसमें कहा गया कि किसानों को पैसा 3 कार्य दिवस में दिया जाएगा। किसान का पैसा फंसने के पर दूसरे मंडल या प्रांत के बार बार चक्कर काटने के, यहां तो हमारा एक जिला का फंस गया, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको दूसरे राज्य जाना पड़ेगा, दूसरे जिला जाना पड़ेगा, उसका खर्चा कौन देखेगा, बार बार चक्कर काटना पड़ेगा। और बिहार और देश की तो दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में ऐसे इतने चक्कर लोग काटते कोई हल नहीं हो पाता, कहां जाएगा किसान, कैसे लाया जाएगा? तो ये भारी समस्या जो है देश के सामने आई है और किसान जो है बड़े आक्रोश में, लोगों को इस बिल के बहाने ये लोग झूठ बोलने का काम कर। अब आप इसे आए दुगुना कैसे होगा 2022 तक? इनका लक्ष्य था कि 2022 तक इसके आय को दुगुना करेंगे, ये कैसे इसका पूरा होगा? विवाद सुलझाने के लिए देखिए जो इस विधेयक में है क्या है, विवाद सुलझाने के लिए 30 दिन के अंदर समझौता मंडल में जाना होगा, वह ना सुलझ सका तो धारा 13 के अनुसार SDM के यहां जाना होगा, मुकदमा करना होगा, SDM के आदेश की अपील जिला अधिकारी से के यहां होगी, जितने पर किसानों का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा, देश के 85% किसान के पास 2-3 एकड़ है, विवाद होने पर उनकी पूरी पूंजी वकील कर दे और ऑफिस के चक्कर काटने में ही लग जाएगा, इतने लेवल पे जाना पड़ेगा, इतनी जगह जाना पड़ेगा कि भाई उसका मुकदमा होगा, उसका जो केस होगा वो कहाँ से ठीक कर पाएगा बेचारा किसान। हमारे देश में 85% लघु किसान है, अब बिहार में छोटी और मझली जोत के किसान ज्यादा से ज्यादा है, यानी बहुत ही छोटे जमीन में, मतलब वो बेचने की दूर की बात खुद ही नहीं, अपने परिवार में ही वो खपत कर पाते, अपना ही पेट पालते हैं उस चीजों से, तो ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा लघु किसान है, मझली जोत किसान है। किसान के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है, यानी यह अध्यादेश बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादकों को जो काला बाजारी के लिए लाया गया, पूरी तरीके से यह विधेयक जो है काला बाजारी के लिए लाया गया है। अब मान लीजिए कंपनियों और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दाम पर ग्राहकों को बेचने का काम करेंगे, जो कि हो रहा है। अब जो है इसमें सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा, पूरी तरीके से जो है ये जमा खोरों की चांदी हो जाएगी, जितने बिचौलिया है उनकी चांदी हो जाएगी, जो कंपनी या व्यक्ति ठेके पर कृषि उत्पाद लेगा उसे प्राकृतिक आपदा यानी कृषि में हुआ नुकसान से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी प्राकृतिक जो ओला होता है, ओला से बिहार में जो है कितना नुकसान हुआ, बाढ़ हुआ उससे जो है क्षति हो जाता है, तो इन कंपनी का उसके क्षति से कोई लेना देना नहीं है,
उसका क्षति का जो भार है वो किसानों के ऊपर होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कोई प्राइवेट कंपनी को कोई लेना देना नहीं है इसके उत्पादन से, वो जो भी है भाग, मतलब एक हिस्सा जो अपने मेहनत का, खून पसीने का, जो हम लोगों को आनंद देने का काम करता है, अन्न आता है, समझिए कि उसको कितनी परेशानी, जो देश का पेट पाल रहा है, जो मोदी जी का पेट पाल रहा है, जो नीतीश जी का पेट पाल रहा है, उस पे इतना बड़ा अपराध किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। अब सारी चीजें हैं, ये तानाशाही सरकार पूरी तरीके से, चाहे गरीब मजदूर किसान नौजवान छात्र बेरोजगार, हर एक तरीके से जो है शोषण करने का काम कर रहा है। और यही वजह है ना, जितने पुराने सहयोगी जो इनके अकाली दल थे, उनकी जो मंत्री जो रही हरसिमरत कौर, उनको रिजाइन करना पड़ा। आखिर क्यों उनको रिजाइन करना पड़ा, जितने पुराने उनकी जो सहयोगी रहे हैं। मैं यही सरकार से मांग करता हूं कि इस विधेयक को, जो किसान विरोधी है, इसको जल्द से जल्द वापस दिया जाए और 25 तारीख को हम लोगों ने तो संसद में लगातार जो है विरोध किया ही है, सड़क पर भी हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन आने वाले 25 तारीख को हम लोग करने का काम करेंगे। और परसों और भी इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है आप लोगों के पास, लेकिन एक बात है, 2006 में जो ये बंद किया गया, इसका एक्सपीरियंस तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए, इसका क्या आपको फायदा हुआ, क्या नुकसान हो रहा है, क्यों कृषि विधेयक पर माननीय मुख्यमंत्री जी चुप है। बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा लेने से, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर करके मुंह चमकाने से नहीं होने वाला, जनता इनकी असलियत को पहचान चुकी है और आने वाले समय में बिहार का किसान जो गरीब हुआ इनके राज्य में, जो पलायन करने पे मजबूर रहा, जिनको ये अब गाली देते हैं और सुशील मोदी मजाक उड़ाते हैं कि वो आनंद के लिए मजे के लिए बाहर जा रहे हैं, चुन चुन करके जो है बदला लेने का, ये नीतीश कुमार जी से सुशील मोदी से लेने का काम कर, बताइए मजाक उड़ा रही, एक मजदूर का मजाक उड़ा रहे, किसान का शोषण कर रहे हैं, यही डबल इंजन की सरकार है, यही एनडीए की सरकार है, एक मजदूर को गाली दिलाना हो, एक किसान का शोषण करना, भ्रष्टाचारियां बिचौलिया जमाखोर अपराधी सब का बिहार में बोलबाला है, क्योंकि नीतीश कुमार है। देखिए मुद्दा पार्टी के लिए बनेगा क्या, हमारा तो संघर्ष ही गरीबों के लिए, और जब भी गरीब किसान मजदूर नौजवान बेरोजगारी महंगाई, इसके लिए तो हम लोग हमेशा से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, ये मुद्दा बनाने की बात नहीं, आप जो है शोषण कराते हुए देख शोषण करते रहिएगा और हम लोग बैठ के देखने वाले नहीं ना है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जनता के परेशानियों को सरकार के सामने लाएंगे, सरकार तानाशाह रवैया अपनाएगी तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके मनोबल को ऊंचा करेंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं, जो तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, ये लोग किसके बल पे हैं? बिहार को ठगा ना गया, देश को ठगा ना गया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश को ठगा ना गया कि किसानों का आय दुगुना 2022 तक करेंगे, बिहार में कारखाने लगवाएंगे, चीनी मिल खोलेंगे, उसका चाय पिएंगे, पलायन रोकेंगे, गरीबी मिटाएंगे,
स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर करेंगे, क्या हो रहा है? जमा खोरा घूस खोर लोगों का बोलबाला आप ही का घटक कर रहा है उसका सर, इसका समर्थन बिल का समर्थन किया सर आप ही का घटक। देखिए देखिए हम सुन लिए, सवाल किसी में जुड़ा हुआ जिसमें कि ये है, देखिए देखिए पांडे के केस में वीआरएस के लिए कम से कम 3 महीने का पीरियड होता है, 3 महीने पहले आपको वीआरएस के लिए अप्लाई करना होता है, मगर उनके मामले में इस क्लॉज को हटा दिया गया और उन्हें तत्काल जो है वीआरएस के लिए परमिशन दे दिया गया। ये आप देखिए, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कृषि संबंधित किसान संबंधित देश की बात है, जय जवान जय किसान का नारा हम लोग लगाते हैं, क्या हो रहा है देश में इस पे बात होनी चाहिए। ये मुद्दा हो एक व्यक्ति विशेष कौन आता है कौन जाता है कहाँ क्या करता है नहीं करता है, हमारे लिए टिप्पा टिप्पणी करना ऐसे लोगों के लिए समय बर्बाद करना बात सकती है। हम कौन आएंगे कहाँ जाएंगे क्या करेंगे सब लोग तो जानता है, कोई एक बार ले दो बार ले वीआरएसएस 3 बार ले हमको क्या ले, किस पे कहाँ सीबीआई चार्जशीट किया हुआ है क्या लेना है कि नहीं। हम तो बात बिहार की करेंगे, देश की करेंगे, किसान की करेंगे, मजदूर की करेंगे, बेरोजगारों की करेंगे, नौकरी दिलाने की करेंगे, ये कहेंगे। किसी के प्रोपोगेंडा में हम लोग फंसेंगे नहीं ना, लोगों का कोशिश है ना कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाओ। इस मुहिम में बहुत लोग जो है शामिल है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने में बहुत लोग जो है शामिल है, लेकिन एक बात सुन ले वो लोग, जो लोग असल मुद्दों से ध्यान हमारा भटकाना चाहते हैं उनको घसीट करके मुद्दे पे ही लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मुद्दों पे बात होगी। जिस तरह से आपने कहा 25 तारीख को सड़कों पे आएंगे, क्या लगता है पूरे बिहार भर के आपके आगे भी कार्यकर्ता सड़कों पे आएंगे? देखिए बिहार भर की बात नहीं, ये तो देश भर में आंदोलन चलेगा, ये मेरा खुद का आंदोलन तो नहीं। बात को समझिए, किसान रोड पे और सरकार में बैठे हुए लोग एसी के रूम में, इसलिए हम लोग की पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी है। जब वो संघर्ष कर रहा है तो हम लोग संघर्ष के उनके साथ भागीदार बनेंगे और उस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। आप एक बात समझिए ना, इसमें हम तो कुछ बोलना नहीं चाहते। इस बिल को लेकर के लोग बिहार 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 चिल्ला रहे, जो गैर बिहारी जितने गैर बिहारी हैं कान खोल करके सुन ले, जितने गैर बिहारी हैं वो बिहार 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 सोते जागते उठते बैठते नहाते खाते और पीते, चुनाव का समय है तो बिहार 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 करेंगे, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा केंद्र का दर्जा नहीं दिला पाए, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज नहीं दे पाए, बिहार में कारखाने उद्योग नहीं लगा पाए, रोजगार नहीं दे पाए, गरीबी नहीं मिटा पाए, पलायन नहीं हटा पाए, रोक पाए। अब तो बिहार का चुनाव खत्म होगा, जितने गैर बिहारी हैं सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, भागे बाद में अब तक केंद्र कमेटी नहीं आई जांच कर दे कि कितना नुकसान हुआ, लगभग 80 से 85 लाख आबादी प्रभावित रही, मजदूर जो पैदल 1500-1500 किलोमीटर चल के आए, 2000 किलोमीटर चले, कई लोग चलते चलते मर गए, एक्सीडेंट हो गया,
वो क्या रहे, वो क्या मर गए, तब बिहार याद नहीं आया, बिहारी याद नहीं आया। अब अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे बिहार 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 कर। तो अब देखिए किसी बात से तो छुपा नहीं है कि बिहार के लोगों ने 2015 में बाल नाखून की कटवाए, किसी से ये छुपा है कि बिहार, अब मेरा एक ही सवाल है क्या 2015 में लोगों ने बाल और नाखून क्यों कटवाए थे? देखिए जो शब्द प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चौधरी बिहारी के लिए बोला वो सही नहीं था, किसी पे भी सवाल नहीं खड़ा थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने 2010 का चुनाव जीतने के बाद हाथ उठाने पे आपत्ति जताई थी, जिस व्यक्ति ने थाली खींच लिया था, आज वो व्यक्ति पोस्टर लगवा रहे हैं सरकारी खर्चे पर, सरकारी जगहों पर, उसमें चुनाव सिंबल नहीं है क्योंकि सरकार उसका पैसा दे रही है। और दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोला करते थे, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। थोड़ा ये भी बता देना चाहिए उन पोस्टरों में कि डीएनए पे सवाल प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, डीएनए ठीक है कि नहीं। तो हम तो यही कह रहे कि भाई सरकारी खर्चा पे वो विज्ञापन दे रहे हैं। अब ये स्थिति उस व्यक्ति की आ गई, हताश निराश हार चुके, अब उनको मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है, वही मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है जिसको ये बाहरी कहते थे कि अब बाहरी लोग आकर के संभालेगा बिहार। अब मोदी जी का सहारा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश जी की स्थिति जो है बड़ी नाजुक है। जिसका थाली खींचा, जिसका डीएनए का गाली सुना, जिसके हाथ उठाने पे आपत्ति रहा, आज उसी का सहारा वो भी सरकारी खर्चे और पैसे पर ये करवा रहे हैं, पता चल जाएगा। अब जाइए ना, देख पूछिए किसका है, प्राइवेट का है, जितने भी होर्डिंग पोस्टर है सरकारी खर्चे पे। तो हमको तो इस तरह का कैंपेन जब अनऑफिशियली जब चलाते हैं नीतीश जी सरकारी खर्चे पे, तो मेरा मनोबल और ऊंचा हो जाता है और ये विश्वास हो जाता है कि नीतीश कुमार हार मान चुके हैं। तो हताश के बेचारे, इस पे हमको कोई टिप्पणी नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद।